ययाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु, और यदु के पास जाकर कहा कि बेटा यदु एक काम है। बोले क्या? बोले मेरे ससुर जी ने मुझे बूढ़ा बना दिया, अब एक काम करो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। यदु ने तुरंत मना कर दिया, और कुछ भी कहूँ, आपके पांव दबाऊं, आपको यात्रा कराऊं, आपको भोजन खिलाऊं, आप मर जाओ तो श्राद्ध भी करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन जवानी, जवानी कोई अपनी दे देगा अपने पिता को? मैं जवानी नहीं दूंगा। ययाति महाराज के दूसरे पुत्र जिसका नाम था तुर्वसु, वे तुर्वसी के पास गए, उसने भी टके से जवाब दे दिया, मैं कोई मेरी जवानी विवानी नहीं देने वाला। ययाति महाराज के तीसरे पुत्र द्रुहयु, वे द्रुहयु के पास गए, उसने भी मना कर दिया, मैं कोई जवानी नहीं दूंगा। चौथे पुत्र जिसका नाम था अनु, अनु के पास गए, उसने भी मना कर दिया। अब सबसे छोटा बेटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था पुरु, वे पुरु के पास गए, और अब तो अंतिम आशा बची थी, चार ने तो बिल्कुल टके से जवाब दे दिया, अब अंतिम आशा बची थी, वे पुरु के पास गए और पूरा प्रस्ताव रखा और कहा कि मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी आप मुझे दे दो। तब ययाति महाराज के पांचवे सबसे छोटे बेटे ने क्या कहा, श्लोक आपके सामने है। उत्तम चिंतितम कुरियात प्रोक्तकारी तुमाद्यम अधमो श्रद्धया कुरियात, अधमो अश्रद्धया कुरियात, अकर्तो चरितम पितु, अकर्तो चरितम पितु। जिस समय महाराज ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु के पास आए, तो सबसे पहले अपने पिताजी की स्थिति को देखकर उस छोटे बेटे ने बड़ा विलाप किया, और दूसरा पुरु रोते हुए कहता है कि पिताजी आप ये जो मुझसे मांग रहे हो और मैं आपको दूंगा, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इस बात की है पिताजी कि आज आपको मुझसे कुछ मांगना पड़ा, पिताजी आज आपको बोलना पड़ा कि बेटा मुझे ये चाहिए, क्या तू मुझे देगा? ये मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि उत्तम पुत्र उसे कहा जाता है कि पिता को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उत्तम पुत्र वो है जो पिता के मन की इच्छा को समझकर उनकी इच्छा पूर्ण कर दे। इसलिए ये वचन, ये भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है, पुरु ने कहा उत्तमम चिंतितम कुरियात, उत्तम पुत्र किसे कहते हैं? पितृ पक्ष चल रहा है, हम पितरों के पुत्र हैं, तो यदि हम हमारी ओर दृष्टि करके देखें उत्तम पुत्र कौन है, कहते हैं उत्तमम, उत्तम वो है जो चिंतितम कुरियात, अर्थात माता पिता के मन में जो चिंता है, माँ बाप के मन की जो इच्छा है, उस मन की इच्छा को कुरियात पूर्ण करे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, माँ बाप के मन को पढ़ना, ये भी पुत्र की समझदारी होती है, ये उत्तम पुत्र है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, आई एम सक्सेस, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सफल हूँ। तू सबसे पहले एक माँ बाप का बेटा है, अपने आप को पूछ, क्या तू बेटा पुत्र के रूप में सफल है? फिर बिजनेस में सफल, पति के रूप में सफल, बाद की सफलता बाद में, सबसे पहले हम किसी ना किसी के बेटे हैं, तब तो इस दुनिया में आए, और यदि हम किसी के बेटे हैं, पुत्र हैं, तो उत्तम पुत्र उसे कहते हैं जो माँ बाप के मन को पढ़ ले, बोलना ना पड़े, मन की बात सुनकर कुरियात वो काम करे। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। अब सेकंड क्लास का पुत्र कौन है? उत्तमम चिंतितम कुरियात, उत्तम पुत्र, फर्स्ट क्लास का पुत्र वो है जो मन की इच्छा को समझकर पूर्ण करे। दूसरा प्रोक्तकारी तू मध्यम, प्रउक्त माने पिताजी आज्ञा करे, और आज्ञा करने के बाद जो पालन करे, उसमें मना न करे, कोई ये न करे, तो फिर भी वो सेकंड क्लास का पुत्र है। पिता की आज्ञा होने के बाद जो पालन करता है ना, वो सेकंड क्लास में आ जाता है। तो यदु मतलब पुरु को ये चिंता थी, पुरु को ये दुख था कि मैं फर्स्ट क्लास का बेटा नहीं बन पाया पिताजी,
मैं सेकंड क्लास का पुत्र बना, मुझे फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, है ना। तो प्रोक्त कारी तो मध्यम, माँ बाप बोले और पालन करें तो वह सेकंड क्लास है। लेकिन थर्ड क्लास, थर्ड क्लास किसे कहते हैं? अधमो अश्रद्धया कुरियात। फिर भी कहते हैं कि माँ बाप कुछ आज्ञा करे और वो आज्ञा का पालन भी करे, लेकिन प्रसन्न होकर नहीं, अश्रद्धा से। माँ बाप की आज्ञा का पालन तो होना ही है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, लेकिन श्रद्धा से नहीं, अश्रद्धा से, कि भाई मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा इसलिए करना पड़ेगा। आज्ञा का पालन तो करे लेकिन अश्रद्धया कुरियात, तो थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास का पुत्र वो है आज्ञा का पालन करता है लेकिन अश्रद्धा से। और अंत में कहते हैं कि अकर्तो चरितम, माँ बाप के मन की बात छोड़ो, माँ बाप बोले और करने की बात छोड़ो, अश्रद्धा से भी छोड़ो। माँ बाप बोल बोल कर थक जाए फिर भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अकर्तो अचरितम पितु हो। तो कहते हैं अकर्तो उच्च रीतम, संधि विच्छेद करोगे ना तो वहां पर आएगा उच्च रीतम। अकर्तो माँ बाप की बात, माँ बाप की इच्छा को पूर्ण नहीं करता है वो उच्च रीतम। वो बेटा, वो पुत्र कैसे है? उच्च रीतम। उच्च रीतम माने क्या कहेंगे? हमारे मधुसूदन प्रभु के साथ जब बहुत चर्चा होती है ना, तो कभी कभी हम चर्चा करते तो उसमें ये बात आती है, तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो तो रद्दी है प्रभु, वो रद्दी जैसा आदमी है, तो रद्दी शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं सोचा रद्दी भी ठीक नहीं, क्योंकि रद्दी भी पस्ती वाले के वहाँ काम में आती है, वो भी 2-5 रुपया किलो भारत में बिकती है रद्दी। उच्च रीतम माने कुछ लोग कहते हैं गार्बेज, ये गार्बेज जैसा है, तो वो पुत्र गार्बेज भी नहीं, क्योंकि गार्बेज भी कहीं आग लगाने में, कहीं गैस बनाने में काम आता है। इसलिए यहाँ पर पुरु ने कहा उच्च रीतम, मुझे बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं एग्जैक्ट मुझे पता है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उच्च रीतम माने मल। वो पुत्र पुत्र नहीं, वो मल है जो अपनी माँ बाप के आज्ञा का पालन नहीं करता। तो अकर्तो उच्च रीतम पितुहु, पितुहु पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो रद्दी नहीं, वो गार्बेज नहीं, वो मल के समान जो कुछ काम में नहीं आता। सो इस प्रकार निवेदन करते हैं और आगे वे कहते हैं इति प्रमोदित पुरु प्रत्यगृहा जराम पितुः सोपि तद्वयसा कामान यथावत झुंझुषे नृपः। इति इस प्रकार से प्रमुदितः पुरु ने क्या किया, तुरंत ही अपने पिता ययाति महाराज का बुढ़ापा ले लिया और जवानी दे दी। इति प्रमुदित पुरु प्रत्यगृहा जरा पितु, पिता की जरा ले ली, प्रतिग्रह माने एक्सचेंज कर लेना, ट्रांसफर कर लेना, प्रतिग्रह माने एक्सचेंज, तो जरा बुढ़ापे को एक्सचेंज कर लिया, ययाति का स्वयं ले लिया और अपना जवानी अपने पिता ययाति को दे दी और इन्होंने ले लिया। लेकिन शब्द जो समझने लायक है कि एक जवान बेटा तुरंत झटके में बुढ़ापा हो गया और पिता को जवानी दे दिया, लेकिन कैसे? तो इति प्रमुदित है। शब्द देखिए, प्रमुदित, प्रकृष्ट रूपेण मुदित, मुदित माने आनंद, जहाँ से आज का प्रवचन शुरू हुआ था, मुदित माने आनंद से, गुरु पिता माता की आज्ञा चाहे कैसी भी हो, ऐसी तो नहीं ना बूढ़ा बना दे, ऐसी तो नहीं है, ये इस बाप ने तो बूढ़ा बना दिया, लेकिन फिर भी आनंद से, मुदित आनंद से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने जीवन में उतारा और अपने पिता को प्रसन्न कर लिया। और फल क्या मिला? 5 बेटे थे ययाति महाराज के, ययाति भी ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत प्रतापी राजा थे, और सूर्य वंश, सोम वंश या ब्रह्मा की विधि के अनुसार बड़े बेटे को ही राजा बनना होता है, लेकिन ययाति महाराज का ये पुरु जो था सबसे छोटा बेटा था, लेकिन इन्होंने वरदान दिया, बेटा तूने मेरा काम किया है इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, राजा तू बनेगा और तू ही नहीं
आने वाली सारी तेरी पीढ़ी जो होगी तेरी पीढ़ी के लोग ही राजा बनेंगे। तो यद्यपि ययाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु और यदु कुल में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन राजा नहीं। राजा तो पुरु के वंश में जो आए वही लोग राजा बने हैं। सो इस प्रकार शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि माता पिता के गुरु के वचन को आनंद से बिना बुद्धि लगाए पालन करना यही पुत्र का धर्म है। ऐसे पावन पितृ पक्ष में पिता की आज्ञा को हमने आज समझा और जीवन को धन्य किया।